बायोसीएनजी जो प्रोजेक्ट है समाज में वो आज के दिन में मेजर प्रोजेक्ट फेलियर गए हैं। जी करीब 33 प्रोजेक्ट ओवरऑल चल रहे हिंदुस्तान में, 33 33 ओके। और करीब करीब हर आदमी नुकसान कर रहा है ऐसा समझ के चलिए, एक्सेप्ट जो नए एक दो लगे हैं उसका रिजल्ट अपने को पता नहीं है। जी पर पिछले गए साल तक जितने 33 थे वो एक भी आदमी कमा नहीं रहा है। ओके ठीक है, एक अहमदाबाद से नजदीक डाकोर में है भारत बायोगैस करके वहां पे है, बराबर है, अपने डॉक्टर भरत भाई ने, बराबर है, जहाँ 7,000 मीटर क्यूब का यूनिट लगा हुआ है। जी ठीक है, अभी एक नॉर्मल आदमी के तरह हम उसको पहले सोचने की कोशिश करते हैं। 10 किलो गोबर, सॉरी इनकी फॉर्मूला है 25 किलो गोबर से 1 घन मीटर क्यूब गैस बनेगा। 25 किलो गोबर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब ऑफ गोबर गैस इज इक्वल टू 0.4 kg ऑफ सीएनजी, 400 ग्राम सीएनजी हुआ। अभी 25 किलो गोबर की कीमत 1 रुपया प्रति किलो गोबर आप गिन रहे हो, हाँ ठीक है सर, हाँ कहीं भी गिनते हैं हाँ तो 25 किलो मल्टीप्लाई बाय 1 गिनो तो 25 रुपया हो गया पच्चीस आपका। रुपये ओके, तो इनपुट कॉस्ट आपका हो गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ब्याज दर तो भूल जाते हैं हम, हाँ खाली रॉ मटेरियल का ही कॉस्ट जो गिनते हैं। रनिंग है वही समझते हाँ हैं। ठीक है, हाँ तो 25 रुपये का आपका गोबर हो गया और आपका 1 घन मीटर क्यूब गैस हुआ, उसमें से 400 ग्राम आपका सीएनजी बना, 400 ग्राम इंटू 50 रुपया सीएनजी का रेट है, बराबर रफली, यस तो 50 इंटू 400 गिनोगे तो 20 रुपये का सीएनजी बना। जी तो एक बाजू 25 रुपये का आपने गोबर लिया और एक बाजू 20 रुपये का सीएनजी बनाया, तो ये बना के क्या फायदा क्या हुआ टोटल, वायबिलिटी कितनी है। वायबिलिटी नहीं बैठेगी। और छोटा एग्जाम्पल देंगे तो 1,000 kg का गोबर गैस प्लांट डालेंगे जिसका 400 kg सीएनजी होगा, तो इसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ आती है। 1,000 kg गोबर गैस माटे 1.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट आए थे, मतलब 1 किलो गोबर के पीछे 2,000 रुपया कैपिटल खर्चा आता है। कैपिटल 1 रुपया नो गोबर एनी पाछड़ बे हजार रुपया नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नाखो, तो 20 रुपया माथी 25 रुपया, अरे 25 रुपया मत तो मैंने 20 में कन्वर्ट करी, हाँ और समझ मेरे क्वेश्चन में। तो हम जो समझदार लोग हैं उसको क्यों प्रोत्साहन देंगे, हमको किसी को भी इन्वेस्टमेंट कराना है, भले विक्रांत जी के पास पैसे है, हाँ उनके पापा जी के पास है, बबूबा जी के पास है, हाँ पर किसी को भी हम गलत सलाह क्यों देंगे। यस कल यस जाके फिर 5 साल के बाद तो हमको ही बोलेंगे कि यस भाई आपने सलाह गलत दी हाँ थी, हमारा क्या गलत डेटा काम हो गया, निकला और क्या हो रहा क्या है। धाड़ मार दी हमने। ठीक है, एक बाजू लगेगा कि सीएनजी बन गया, पर सीएनजी एट व्हाट कॉस्ट, नहीं अर्निंग भी चाहिए ना अर्निंग भी उसका। चाहिए। हाँ ठीक है, वाइबल भी होना चाहिए प्लांट। हम जो सीएनजी का कंसेप्ट समझते हैं या गोबर गैस प्लांट, अपना गोबर गैस प्लांट ही ऐसा समझिए, हाँ ठीक है, अपने गोबर गैस प्लांट के अंदर टेक्नोलॉजी में 10 किलो गोबर से 1 घन मीटर क्यूब बनता है, अच्छा तो वो 25 था उसके बदले ये हो गया 10। उसका रीजन ये हुआ कि आपका गोबर के अंदर जितनी एनर्जी थी, ऊर्जा थी, वो आपने पूरी पूरी कन्वर्ट कर ले ली, वो गोबर का अवशेष कोई रहा नहीं। जो बायो फर्टिलाइजर निकलता है वो नहीं निकलेगा और पूरा ही हमने बायो फर्टिलाइजर निकलेगा पर कार्बन के अंदर जो एनर्जी, लिक्विड लिक्विड निकलेगा, ठोस निकलेगा, नहीं निकलेगा। गोबर हाँ नहीं निकलेगा, ठोस को हमने पूरा ही गैस बना लिया। उसका पूरा कन्वर्जन कर दिया। यस ठीक है, और एनर्जी के एंगल से देखें तो जैसे गोबर है उसके अंदर 800 से 1000 किलो कैलोरीज है, किलो कैलोरीज 1 किलो गोबर में 800 to 1000 किलो कैलोरीज पर केजी ऑफ गोबर है। ठीक है, मैंने 10 किलो गोबर लिया, ओके, और कम से कम 800 से मल्टीप्लाई किया तो 8,000 किलो कैलोरीज मेरे को बनी, एक गोबर गैस में 8,000 किलो कैलोरीज है, यस क्या लगे आपको। यस जब आप पूरा कन्वर्ट करते हो तो पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। हो गया। ठीक है, तो अपनी फॉर्मूला में चेंज ये होता है कि गोबर गैस प्लांट का जो भी डिजाइन बना है, भले सिंपल ट्यूब दिखता है, उसके अंदर जो भी दिमाग लगाया, दिखने के लिए सिंपल ट्यूब दिखता है, हाँ ठीक है, पर उसके अंदर 10 किलो में से आपको पूरे पूरा 1 मीटर क्यूब गैस बनता है, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट आपकी 1 रुपये के हिसाब से 10 रुपया हो गई हाँ और उधर आउटपुट आपका 20 रुपया हो गया। ठीक है,
उसमें होता था 25 रुपया और आउटपुट होता था 20 रुपया, इसमें यस इनपुट हो गया 10 रुपया और आउटपुट हो गया 20 रुपया, ठीक है। तो यस एक तो डबल ही हो गया। दूसरा, अपनी फॉर्मूला में 1 किलो, अरे 10 किलो गोबर से यानी एक गाय से 200 लीटर डेली खाद बनती है। 10 किलो गोबर आपने डाला एक 200 लीटर के बैरल के अंदर, जिसको अंदर जीवामृत आप बोलते हो, ठीक है, तो उसमें से 200 लीटर बना खाद आता है, 7 दिवस पची 200 लीटर बनी अपना केस में पूरे भूमि लिक्विड चाहिए, पर 10 किलो गोबर से आपने 200 लीटर खाद लगाई, 200 लीटर लिक्विड खाद, बराबर है। तो 200 लीटर लिक्विड अगर आप 1 रुपये लीटर के हिसाब से गिनते हैं, ठीक है, तो 200 रुपये मिल गया सर। तो एक गाय से 10 kg गोबर में से आपको 200 रुपया एज लिक्विड मिला, ठीक है, एट 1 रुपी, ठीक है, और एनर्जी के फॉर्म में गिना तो 10 रुपया आपको मिला एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, 10 रुपये 20 रुपये है, 20 रुपए नुकसान होता है, ठीक है। और ये जो 1 रुपए वाला लीटर है फर्टिलाइजर, वो हम बाय बैक के लिए बात कर रहे हैं, हम पूरा खरीद लेंगे। अच्छा, बराबर बराबर है। हमारा गोल सही है, हम सही से उसको एंड पॉइंट तक ले जा रहे हैं जी। और मार्केटिंग के गट्स है, 1 रुपए वाली चीज 1000 रुपए में बेच सकते हैं, लेकिन 1 रुपया तो वाइबल है, वो हकीकत में जाने वाला, ठीक है। तो 1 रुपये में तो 200 रुपया आपको मिल गया, उसके अंदर आपको खाली 10 रुपया मिलता था या 20 मिलता था, इसमें सीधा 200+20 हो गया। तो ये प्रोजेक्ट का थॉट प्रोसेस अपने आप में चेंज हो गया, एक फ्यूल की एफिशिएंसी डबल हो गई, लगभग 25 वाली थी हमारा 10 बस वाली थी, आपने 20 गणिए तो 20 मा थी एटू थे ना 10 मा थी, डबल एफिशिएंसी हमने बताई। और प्लस पेलावा खाद नहीं बनती, जो नॉर्मल गोबर गैस प्लांट है या सीएनजी प्लांट है उसके अंदर उनको स्लरी बनती है। हाँ। स्लरी का मतलब क्या है समझने के लिए, हमारा शरीर परमात्मा ने बेस्ट गोबर गैस प्लांट ऑन द अर्थ डिजाइन किया हुआ है। आपके शरीर के अंदर पंच महाभूत आप सही ढंग से बैलेंस करते हो, यानी अग्नि तत्व आपको जो डालने की सत्ता है वो 4% है, 4 रोटी ऐसा समझिए। तो आप 4 रोटी खाते हो तो आपको वायु या पित्त या कफ नहीं होता है, आपका शरीर स्वस्थ है। पर आप शादी में जाके आए और 4 के बदले 40 रोटी खा के आए तो आपको गैस पैदा हो गया, जिसको आप गोबर गैस प्लांट बोलते हो। सही। तो अग्नि तत्व जरूरत से ज्यादा कोई सिस्टम में आपने डाल दिया, कोई भी ऑर्गेनिक सिस्टम में, तो वायु तत्व आपने ज्यादा पैदा कर दिया, जिसको आप गोबर गैस प्लांट बोलते हो। अभी 40 के बदले मैंने 50 रोटी खा ली, या तो मेरे को वॉमिट होगी या तो मेरे को डायरिया हो गया, यानी बिना पचा हुआ खाना आपके शरीर से सिस्टम से बाहर आ गया, जिसको हम स्लरी बोलते हैं। तो मेरे प्रैक्टिकल है वो, अगर कहीं पर आपने आच्छादन कर दिया तो कुछ आने वाला नहीं है, कुछ प्रोडक्टिविटी ही नहीं होगी। अच्छा, ये हमारे ट्रायल है। Okay, जो जनरल गांव में गोबर गैस जो गवर्नमेंट ने लगवाए थे, फिर वो ड्रम गड्ढा बना करके वो हमारे गांव हमारे घरों में भी हैं जी सर, तो उसका अगर आपने डायरेक्ट यूज कर लिया तो गड़बड़ उसको आपने वर्मी कंपोस्ट बनाकर यूज किया या कुछ पकाकर यूज किया तो लागू होगा, एज इट इज यूज नहीं कर सकते, घातक है। वो मेरा प्रयोग है खुद का। ये आपका प्रयोग और हमारे एग्रीकल्चर विभाग में तो जैसे गोबर जैसे डायरेक्ट सैलरी जो निकलती है तो उसका भी जैसे गेहूं की फसल है उसमें डालने के लिए तो बोलता है तुम घर में एक टोकरा भर के ले जाओ या अपने जूट के बारदान में उसको भर के जहाँ से आपकी नाली में जो पानी जाता है उसमें डाल दो और उसके साथ में जो पानी जाएगा वो यूरिया की पूर्ति करता जाएगा। इन शॉर्ट विज्ञान समझने जाओ तो बिना पता हुआ आपने डायरिया किया या वॉमिट किया वो सीधा आप ले रहे हो तो उतना समझना नहीं चाहते लोग कि ये बेस्ट गोबर गैस प्लांट है, इसका विज्ञान समझ ले तो जमीन में समझ आ जाएगा।
तो हमको जो भी बायो सीएनजी प्रोजेक्ट बनाना है उस विषय से बनाना है, फिर बेम्बू से बनावे, गोबर से बनावे, किसी से बनावे, तो उस हिसाब से बनाना कि बायोडाइजेस्टी की डिजाइन ऐसी हो कि जिसमें से 200 लीटर खाद बने और एफिशिएंसी उनसे डबल या तीन गुनी हो अपनी। डाइजेस्टर ब्रेक जहाँ तक मैंने भी यूज किया है, एक है हमारे पास लगा हुआ, तो इसमें तो जैसे बायोमास या कुछ भी चलेगा ना, जैसे केवल गोबर जाएगा ऐसा नहीं, नहीं कोई भी बायो चलेगा। तो एनी ऑर्गेनिक मैटर, एनी ऑर्गेनिक मैटर मतलब हमारे अब दूसरे एंगल से ऐसा समझिए सर कि जितना लीला पड़वास है आपके यहाँ या ग्रीन पत्ते, जैसे आपने केले के अंदर पत्ते रह गए आपके, ठीक है, एक पत्ते का आपने आच्छादन किया और एक पत्ते को आपने सीधे सीधा इसके अंदर क्रश करके बायोगैस प्लांट में डाल दिया जी, इसके अंदर फर्टिलाइजर जो पैदा होगा आपको इमेजिनेशन नहीं है सब इतना। केला एक ही पत्ता है जिसके अंदर नाइट्रेट्स नहीं हो पाते हैं। अच्छा हाँ, और नाइट्रेट्स नहीं होने के कारण अब जो सत्यनारायण की कथा करते हैं वहां केले के पत्ते लगाते हैं उसका ये साइंस है। हाँ, और नाइट्रेट नहीं होने के कारण बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं आते नहीं, वातावरण शुद्ध है, उनको खाने के लिए कोई नाइट्रेट नहीं है, इसके लिए कोई आते नहीं है, इसके लिए केले के पत्ते लगाए जाते हैं। तो अगर इस केले के पत्ते को आप क्रश करके अगर एस बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं ड्राई करने के बदले में लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड की ऊर्जा कुछ अलग है, ड्राई की कुछ ऊर्जा अलग है। हाँ ठीक है, अलग अलग। हाँ, तो लिक्विड फॉर्म में अगर आप डालते हो इसके अंदर ये क्रश करते हो तो उसके अंदर जो आपको खाद बनेगी केला का प्रोडक्शन ऐसे डबल हो जाएगा। टेक इट फ्रॉम मी, ये तो कर भी रहा हूँ मैं 70-30 फार्मिंग में। हम डाइजेस्टर बैग नहीं किया है, हमने क्या किया है 500 लीटर के ड्रम रखे हैं जी, और उसमें केले के पत्ते और पानी और वो थोड़ा सा शुरुआत में मिट्टी गोबर डाल करके उसे 20 से 25 दिन रखा है तो वो लाल पानी बनना चालू जी। वो मेरी भाषा में मैं उसको ह्यूमस बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो इतना गजब का रिजल्ट आ रहा है जो मैंने बतलाया था आपको, वो आप जो बोल रहे हो वो हो रहा है मेरे साथ जी, महसूस कर रहा हूँ उसको। तो वो आपने 30 दिन रखा, इसके अंदर 50 दिन में रहेगा तो आपका पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके अंदर कुछ अवशेष नहीं रहेगा। वो वैसे ही होता है, वो बैठते जाता है ऊपर से डालते जाते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी 50% छाती ठोकी नहीं होती है कहीं के वजह से। मैं तो वही कर रहा हूँ ना, इसीलिए बोलता हूँ कि मैं 10 पैसे पर केजी केला प्रोडक्शन कास्ट है मेरा, केवल मेंटेनेंस का। और ये जो लोग गोबर गैस प्लांट फार्म पे लगवाते हैं ना, गोबर गैस नहीं बोलते पर इफेक्टिव बायो कंपोस्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि राइट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है। ठीक है, तो हमें क्या बोलते हैं कि जितना आपका क्रॉप का अवशेष है कि तमें बटाकानी खेती करी कि तमें मगफली नहीं खेती करी, तो लीलो पड़वास जेनो छे झाड़पान जे बच्यू छे बटाका गंदा छे वो सब 25% इसमें वापिस डाल दो, जितना गोबर डालते उतनी मात्रा में वो डाल दो, आपका प्रोडक्शन 25% ऐसे ही बन जाएगा। उसका रीजन क्या है कि उसके न्यूट्रिशन उसको इमीडिएट मिल जाते हैं, ये सेल्फ एक्सीमेशन का फॉर्मूला है कुदरत का। जैसे मैंने सहजन लगाया है फॉर एग्जांपल, तो सहजन के अंदर हम क्या बोलते हैं एनपीके, एनपीके उससे ज्यादा हम भाषण नहीं करते समाज में, ठीक है। अगर सहजन के अंदर 80 टाइप के तत्व है या 90 टाइप के तत्व है, ठीक है, उसके अंदर 550 कंपाउंड है, ओके, इतने एंटीऑक्सीडेंट से एंटी फंगल है, बहुत चीजें भरी है भगवान ने, ओके। अभी मैं खाली एनपीके डालूंगा तो ये सब कहां से आएगा, पर मैं उसके अवशेष ही सीधे उसको पिला देता हूँ रिपीट, तो उसको सीधा रिपीट मिल गया डोज, तो अपने आप ही उसकी ऊर्जा उसको मिल जाएगी और उसका प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो पुराने अवशेष जिनके पास है भाई, जितना गोबर डालते हो उतना पुराना अवशेष साथ में डाल दो, आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ जाएगी, अपने आप ही रिजल्ट बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो बायो सीएनजी के अंदर जो डिस्कशन था, राइट मेथड ऑफ यूजिंग इट एंड मेकिंग इनटू अ लिक्विड फर्टिलाइजर जी, दैट मेक्स अ ह्यूज सेंस फॉर मेकिंग अ बायो सीएनजी प्रोजेक्ट। इस ढंग से अगर बायो सीएनजी प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको एक साल में पेबैक आता है, मैंने आपको भेजा था राइट कि आपका 11 करोड़ का खर्चा आया 7000 क्यूबिक मीटर के पीछे, आपको एक साल में 11 करोड़ मिल जाते हैं। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि एक साल में आपको 100% वापस आए, कोई भी नहीं है, ठीक है। इसमें वो भी फिर कुछ बचेगा ना, सेपरेटर और ये अलग अलग करने के लिए, मीथेन और ऑक्सीजन और ये कुछ कंप्रेस करने के लिए, वो अपन केवल बात कर रहे हैं डाइजेस्टर बैग की या पूरा यूनिट की? नहीं, पूरा यूनिट बात करूंगा। अच्छा ठीक, फर्स्ट स्टेज हो गया डाइजेस्टर जिसमें से अच्छी खाद बनाई,
फिर जो बायोगैस बना वो बायोगैस के अंदर 50% मीथेन होता है, 40% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और 10% मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो 40% इसको रिच करना है कि भैया 50% मीथेन है उसको मेरे को 90% 92 के ऊपर ले जाना है। तो आप क्या करते हैं, एक CO2 का सेपरेटर लगाया और एक आपने सेपरेटर लगाया पानी को निकालने के लिए, जी भेज को निकालने के लिए। ये दोनों सेपरेटर में जैसे CO2 का सेपरेटर होता है, सबसे सिंपल चूना का पानी होता है कि चूने के पानी के अंदर आपने CO2 बबल कर दिया तो आपका CO2 ड्रॉप आउट हो गया, ठीक है। वैसे पानी के लिए डिह्यूमिडिफायर लगा हुआ आप जैसे अपने AC लगाते हो हिसाब से, ठीक है। तो आपका पानी निकल गया, तो 50 और 10 40% निकल गया तो आपका 90% 92% के ऊपर ये हो जाएगा मीथेन, जिसको हम CNG बोलते हैं। दो सेपरेटर लगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड का सेपरेटर और एक इसका सेपरेटर मॉइस्चर का। तीसरा होता है H2S का सेपरेटर, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, वो बहुत कम मात्रा में होता है, पर जहां गोबर है वहां H2S डालना पड़ेगा क्योंकि गोबर के अंदर सल्फर ज्यादा है और सल्फर ज्यादा होने से जो बायोगैस प्लांट से वो सड़ जाते हैं। सल्फर से सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, दो बनते हैं एसिड, ठीक है। वो कोई भी लोहा उसको खत्म कर लेता है। हाँ। तो 2-3 साल के बाद आप कोई भी गोबर गैस प्लांट देखें तो ऊपर की जो टोपी है वो सड़ जाती है और बेकार हो जाती है, ठीक है। तो अपने केस में क्या, हमने प्लास्टिक का बनाया है, उसमें सड़ने की गुंजाइश रहती नहीं है जी। प्लस ये वेल्डेबल है, आपको 5 साल के बाद भी इसका वेल्डिंग करना हो अच्छा तो 10 मिनट में वेल्डिंग हो जाता है, ठीक है। और इसको यूवी रेजिस्टेंट ट्रीटमेंट किया हुआ है, इसको फिर जैसे ग्लास को टफनिंग करते वैसे टफनिंग किया हुआ है, तो फिर आपका ये बिगड़ने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल है इसके कारण, इसको कहां भी उठा के आप ले जाओ तो उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। कल जाके वो साइट आपने बदल दी और दूसरी साइट पे लेके गए तो पूरी दुकान उठा के उधर ले जा सकते हो, वो फोल्ड हो जाएगा। बायोडाइजेस्टर आपने जमीन के अंदर गड्ढा गाड़ा है, दिया है, पैसा पूरा अपना खर्च हो गया, ठीक है। तो विक्रांत जी से भी मैंने ये आपका ये भेजा था, आपको भेजा, विक्रांत जी को भी भेजा था, तो उन्होंने कल मेरे को पूछा था कि ये क्वांटिटी अकाउंट मेरे को एक्सप्लेन कीजिए। तो क्वांटिटी अकाउंट खाली आप निकले, वो उनसे डिस्कशन होगा, मैं उनको बता दूंगा कि आज आप लोग आए थे, आपसे डिस्कशन हो गया है, ठीक है। 7,000 क्यूबिक मीटर का मैंने उनको दिया था वर्किंग, आपको भी शायद भेजा होगा, ठीक है। 0.4 kg मीथेन ये बनेगा बायो CNG, यानी 2,800 kg आपका डेली बनेगा, फिर 2,800 kg आपका बचेगा CO2 40% के हिसाब से, ठीक है। दो और तीसरा 1.5 लाख लीटर के आसपास हाई कार्बन वाला जीवामृत बनेगा। अभी हाई कार्बन और लो कार्बन में आप खाली समझ लीजिए, नॉर्मल 200 लीटर का ड्रम जो होता है उसके अंदर हम 10 किलो गोबर डालते हैं, ठीक है। ये जो 50 दिन की प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें 10 किलो के बदले 40 से 50 किलो तक जा सकते हैं। वो जब ज्यादा डालते तब आपको गुड़ की मात्रा ज्यादा डालनी पड़ती है उसको खाने के लिए, ठीक है। वो अलग विविध खुराक दिया वो अलग विषय हो गया बायोडाइवर्सिटी का, पर बैक्टीरिया को जिंदा कर रखने के लिए और खाने के लिए सबसे सस्ता खुराक गुड़ है आपको, ठीक है। तो 10 किलो के बदले आप 50 किलो तक ले जा सकते हो। तो ऐसा इक्वेशन हुआ कि एक 200 लीटर के ड्रम के अंदर 10 किलो आपने गोबर डाला था तो 40% के हिसाब से आपको 4 किलो कार्बन मिला। 10 किलो गोबर ली दू 40% से तो 4 किलो तुमने कार्बन बन लू इन 1 लीटर इन 1 ड्रम ऑफ 200 लीटर, ओके। नॉर्मल जीवामृत की जो सिस्टम है अभी अपनी जो अपने 7 दिन का सड़ाते हैं उसके अंदर आधा रह जाता है, तो इसके 4 किलो के मैंने अपने को 2 किलो कार्बन मिला, तो मेरे जमीन में 2 किलो कार्बन मिला उसमें 4 किलो मिला, ठीक है। नाउ अभी हम क्या करें कि इसको आप 5 किलो तक 5 गुना बढ़ा सकते हो, यानी 10 किलो गोबर के बदले में 50 किलो गोबर तक ले जा सकता हूँ। 50 किलो मल्टीप्लाई बाय 40% तो 20 किलो मेरे को कार्बन मिल गया। तो एक बैच में मैं उसमें 2 किलो कार्बन लाता हूँ, इसमें एक बैच में मैं 20 किलो कार्बन लाता हूँ, तो आपकी जैविकता कितनी बढ़ गई और बैक्टीरिया के लिए खुराक कितना बढ़ गया,
मतलब हमने ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है, हमने 200 लीटर अगर एक एकड़ पे यूज किया तो हमने इतना कार्बन यूज कर लिया जो आप 20% बतला रहे हो, हाँ, मीन्स इन चालीस केजीज के जी कार्बन हमने खेत में डाल दिया। फिर से रिपीट करता हूँ, 10 किलो गोबर में 40% कार्बन है, हाँ कोई भी गोबर में 40% भगवान ने कार्बन बनाया, यस यानी 10 किलो का 40% गिनू तो 4 किलो हुआ, हाँ बराबर है। तो एक 200 लीटर के बैरल में हम 10 किलो डालते हैं, जी यानी कार्बन की मात्रा में गिने तो 4 किलो मैंने कार्बन दिया है, जी अपनी नॉर्मल भाषा में 50% कार्बन निकल गया, सही गोबर है, छानना पड़ता तो हमने हाँ 2 किलो दिया। तो एक 200 लीटर के बैच में मेरे जमीन के अंदर मैं 2 किलो कार्बन भी रोजता हूं, ओके, ये होगी क्लियर। यस अभी हम हाई कार्बन पे जब जाते हैं तो 10 किलो के बदले 50 किलो तक मैं गोबर डाल सकता हूं, 50 किलो गोबर का 40% गिनेंगे तो 20 किलो हुआ, जी तो उसमें 2 किलो कार्बन डाल सकता था, उसमें मैं 20 किलो तक कार्बन डाल सकता हूं, ठीक है। तो यस ये जो जीवामृत मैंने कैलकुलेट किया है 1.5 लाख लीटर, वो मैंने हाई कार्बन का गिना हुआ है। हाई कार्बन हाई कार्बन का रखने के दो तीन कारण है कि सब जगह पानी की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि जो जीवामृत निकला उसी को अंदर वापिस डाल देते हो, अंदर वो भी रिसाइकल कर रिसाइकल सकते कर रहे हैं, हो, हाँ तो आपका कार्बन परसेंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक लेवल आएगा कि उससे ज्यादा कार्बन आप नहीं बढ़ा सकते हो, हाँ वो एक उस टाइम पे फिर आप फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, वापिस निकाल दिया। जी इसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया 1.5 लाख लीटर, ठीक है, यस और 1.5 लाख लीटर का मैंने 1 रुपये के हिसाब से रेट गिना है, तो 1.5 लाख रुपया आपका डेली का हो गया, ठीक है। बायो सीएनजी अपने केस में हम बाय प्रोडक्ट गिनते हैं क्योंकि वो मेन 20 रुपया काम मिलता है, बायो फर्टिलाइजर ही हो गया ना, मेन काम बायो फर्टिलाइजर है, हाँ ये तो एक नाम चल रहा है तो उसके हिसाब से हो गया, ये चल। ऐसा बन गया। तो ये विषय हो गया अपना क्वांटिटी अकाउंट जो उनको आपको समझाना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आप उधर देखने वाले हो, उधर बायो सीएनजी का जो भी अपना प्रोजेक्ट चल रहा है उधर, जी ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक था बेम्बू टू बायो सीएनजी, हाँ अभी इस विषय पे